मायापुर इस्कन जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेंपल है और साथ में पनीर की सब्जी और खीर। ये है शंख भवन, मुख्य मंदिर के ठीक पीछे में है जो कॉन्च बिल्डिंग है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग अभी है धुबुलिया स्टेशन में, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो यही धुबुलिया स्टेशन है जहाँ से आप धुबुलिया स्टेशन के बाहर आपको टोटो मिल जाएगा। अगर आप मायापुर इस्कॉन जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप टोटो यानी कि टॉमटॉम लेकर आप जा सकते हैं। लगभग यहाँ से टोटो में आपको आधा घंटा से 40 मिनट जैसा लग जाता है। और ये जो स्टेशन है, अगर आप सियालदह से आते हैं तो सियालदह लालगोला जो लाइन है उस लाइन में कोई भी ट्रेन आपको एक घंटा बाद आपको ट्रेन मिल जाएगी। किसी भी ट्रेन में आप आने से ये स्टेशन मिल जाता है, यहाँ से आप इजीली मायापुर जा सकते हैं। धुबुलिया रेलवे स्टेशन से इस्कन जाने के लिए हम लोग NH12 होकर भी जा सकते हैं और भैया एक शॉर्टकट से हम लोगों को लेके जा रहा है। वैसे तो टोटल डिस्टेंस यहाँ का है 15.5 किलोमीटर, लेकिन हम लोग अगर इस शॉर्टकट से जाते हैं तो लगभग 12.3 किलोमीटर होता है। तो 20 से 25 मिनट के अंदर इस टॉमटॉम से हम लोग पहुँच जाएंगे। और एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस टॉमटॉम में हम लोग का जो भाड़ा है वो भाड़ा गिरा है 30 रुपीज़ पर हेड। रास्ता का नाम है बेलपुखुर रास्ता और यहाँ से बाया तरफ मायापुर निकलते हैं। কি রাস্তা বন্ধ বলে মনে হচ্ছে আপনার? রাস্তাটা হবে বলে মনে হচ্ছে? ये वही शॉर्टकट है जिस शॉर्टकट से हम लोग हाईवे के तरफ निकल रहे हैं। और इसका जो रास्ता का हाल है वो आप देखकर समझ ही सकते हैं। और जैसे कि जिस भैया हम लोग टॉमटॉम चला कर लेके जा रहे हैं वो भी वही बात कर रहे हैं कि रास्ता का कंडीशन बहुत ही बुरा है। मायापुर का चंद्रोदया टेम्पल को कहा जाता है द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल है। मायापुर की इस इस्कन मंदिर की एक और बड़ी खासियत है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पुजारी फ्लोर है जो 2.5 एकड़ में बना है। यहीं पे कीर्तन का एक हॉल है जो कि 1.5 एकड़ में बना है, जिसमें एक साथ करीब 10,000 श्रद्धालु कीर्तन कर सकते हैं। ये मंदिर 6,000 स्क्वायर फीट से भी अधिक क्षेत्र से बना हुआ है और इस मंदिर का ऊंचाई 350 फीट है। 7 फ्लोर की इस मंदिर में यूटिलिटी फ्लोर, टेंपल फ्लोर, पुजारी फ्लोर के अलावा म्यूजियम फ्लोर भी शामिल है। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अभी इस्कॉन के टेंपल में जो कि मायापुर में स्थित है। ये उसके अंदर में क्या क्या है दिखाते हैं, जितना हो सके मैं दिखाऊंगा। 350 फीट ऊंची इस मंदिर में 14 लिफ्ट लगाए गए हैं। इस मंदिर में स्थापित सुदर्शन चक्र 20 फीट का है। वहीं यहाँ का जो कलश है वो 40 फीट ऊंचा है। इस मंदिर में लगने वाले टाइल्स राजस्थान के ढोलपुर के साथ ही वियतनाम, फ्रांस, दक्षिण अमेरिका से भी लाए गए हैं। 350 फीट ऊंचे इस मंदिर में 14 लिफ्ट लगाए गए हैं। ये है शंख भवन, मुख्य मंदिर के ठीक पीछे में है जो कॉन्च बिल्डिंग है। यहाँ पे परिवार समेत आप लोग आकर रह सकते हैं। यहाँ पे आपको गदा भवन देखने को मिलेगा जो कि बिजनेस ट्रैवलर्स और फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान है जहाँ पे आप रुक सकते हैं। और यहाँ का सीनिक ब्यूटी और फोटोजेनिक ब्यूटी आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। सौगा मास्टर बिल्डिंग सौगा।
इस्कॉन मायापुर स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर है एंटायर इस्कॉन वर्ल्ड फैमिली का। यही है इस्कॉन का हेडक्वार्टर। 2009 से इस मंदिर का जो नया मंदिर का कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है और लगता है कि 2024 का दिसंबर तक ये ख़त्म हो जाएगा। ये एक टेंटेटिव डेट इन लोगों ने लिया है और अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपया इसमें हो चुके हैं ये बनाने के लिए। हरे कृष्णा। यह है इस्कॉन का नामहट्टो भवन। यहाँ पे भी आप रह सकते हैं, यहाँ पे आप पहले बुकिंग करके रह सकते हैं। और ये है गोरनीताई धर्मशाला, जहाँ पे भी आप बहुत कम पैसा में आप यहाँ पे रह सकते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं इस्कॉन की भोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए। आप यहाँ पे फ्री प्रसाद भी ले सकते हैं और हम लोग यहाँ पे 51 रुपीस का टिकट बनवा लिया है और आगे देखते हैं किस तरह का प्रसाद देते हैं। देखिए, हजारों के तादाद पर श्रद्धालु भक्त यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पे आ गए हैं। हमें यहाँ पे दिया गया है भात, दाल, एक मिक्स सब्जी और साथ में पनीर की सब्जी और खीर। प्रसाद लाजवाब था। यहाँ पे आप शू रख सकते हैं निशुल्क। अगर आप चाहें तो आपका मर्जी से कुछ आप डोनेट कर सकते हैं डोनेशन बॉक्स में। यही था हम लोगों का ओवरऑल मायापुर इस्कॉन, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेंपल है। इस टेंपल का विजिट हम लोग यहाँ पे आधा दिन के लिए आए हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि रात को रुककर आप लोग यहाँ पर विजिट कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्णा।